जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, ओ भारत माता की जय। तो लाडलो, जिनके भी ऐसे जीडी का या आर्मी का मेडिकल है, तो उनमें से कुछ मेडिकल पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आप तैयार कर सकते हैं या किस प्रकार से वहां पर मेडिकल होता है। तो ज्यादातर खुलकर बात नहीं करते हैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, तो ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी है, साथ में और भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में, जिनका आप इलाज करा सकते हैं और जिसकी वजह से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या एसएससी जीडी के द्वारा अगर आप फोर्स में लगना चाहते हो, पीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, किसी भी फोर्स में, तो उसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो अगर ये बीमारियां आपके हैं तो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कि प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उनके घर वालों को भी इतना नॉलेज नहीं है, तो भी कोई बताना शेयर करना ऐसी बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमारी इज्जत लुट चुकी है भाई। तो फौज में एक बार भर्ती हो जाता है ना, उसका सारा कुछ देख लेते हैं सामान, अब कुछ लेते कि बचा ही नहीं है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ऊपर से शास्त्रीय तौर पे बताऊंगी, जब मेडिकल होता है तो रूम के अंदर जो मेडिकल होता है वो कैसा होता है पता है? प्राइवेट पार्ट्स का तो होता है रूम में, बाकी सारा मेडिकल कहाँ होता है? बाहर होता है। लेकिन आर्मी में रूम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्सनली तुम्हारा अलग से रूम बना रखे हैं, ऐसे खड़ा हो जा बैठ जा नीचे वहीं, तो ऐसा नहीं है कि भाई अलग से तुम्हारे लिए कोई रूम बना है, अलग से रूम नहीं होता। एक ही रूम में 10-12 के होते हैं, 20 का होता है, 30 का होता है। ठीक है, तो सर्जरी तौर पे जो चेक होता है वो कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। सर्जरी तौर पे सबसे पहले आपका बॉडी को देखा जाता है ऊपर से कि इसके शरीर पे कोई इस प्रकार का निशान या इस प्रकार की बीमारी इसकी स्किन में तो नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ये देखो, सबसे पहले इसके इधर आ भाई, मैं आपको बताऊँ ये मेडिकल पॉइंट बन जाएगा अगर इसको समय रहते सही नहीं कराया तो। ठीक है, आर्मी में क्या दे देंगे इसका मेडिकल पॉइंट, क्यों? क्योंकि इसकी स्किन पे क्या है, धब्बा ही धब्बा है, उसमें मेडिकल में स्किन भी आती है कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्किन पे जो फुंसियां होती है या इस प्रकार के जो स्ट्रेचिंग मार्क होते हैं, इनमें मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता है। ये है ना, ये जो स्ट्रेचिंग मार्क है इसमें मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता है। लेकिन जो ये है, ये बीमारी है। क्या है ये? बीमारी। ये बीमारी है, इसमें स्ट्रेचिंग मार्क नहीं है। ये बीमारी है जिसकी वजह से इसके शरीर पे दबाव रखा है, प्लस ये बढ़ता जाएगा शरीर पूरे शरीर पे भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और जो स्ट्रेचिंग मार्क है वो कहाँ होते हैं आपको पता है? जहाँ पर फेट बढ़ रखा होता है या बाद में कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है ज्यादातर लोगों को। तो इसकी वजह से ये पॉइंट मेडिकल पॉइंट नहीं देते। बहुत सारी लड़कियां का भी क्वेश्चन रहता है कि भाई वो प्रेगनेंसी के बाद उनके पेट पे ऐसे निशान आ जाते हैं ना, जब उन त्वचा खुलती है वो वापस हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग मार्क आ जाते हैं। इनका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है, समय रहते आप इलाज करा लीजिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे दाद हो गए। आज अगर आप देखोगे जितने बच्चे फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने बच्चे हैं उनमें से 50% प्लस बच्चों के दाद की बीमारी मिलेगी, पता है? 100% मिलेगी। उसका पीछे मैंने इधर बताया, एक तो आप अंडरवेयर अच्छी नहीं पहनते हो, इस कपड़े की अंडरवेयर नहीं पहननी है, हमेशा स्पोर्ट्स कपड़े की अंडरवेयर पहननी है, चाहे 100 रुपये ज़्यादा लग जाए लेकिन वही पहननी है, और वी शेप की पहनी ज्यादातर। ठीक है, जिससे आपका सामान भी सुरक्षित है, और जब सामान सुरक्षित तो आप भी सुरक्षित। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो, स्किन के अलावा फिर आपका जो सर्जरी तौर पे चेक करते हैं चेस्ट का। ठीक है, कि आपके चेस्ट की जो बनावट है, कईयों के क्या होता है यहाँ पर क्या होती है, गांठे होती है। क्या होती है भाई? गांठे होती है, और जिसके चेस्ट में गांठे होती है ना, उसको क्या कर देते हैं मेडिकल में, बाहर कर देते हैं, अनफिट कर देते हैं। लेकिन उसका इलाज अगर आपके है तो इलाज करा लीजिए। ठीक है, उसकी भी सर्जरी होती है। इसके बाद में जब आप चेक करते हैं, सबसे पहले चेहरे को, उसमें क्या चेक करते हैं, कान को। कान में क्या चेक करते हैं? कान में चेक करते हैं कि आपके कान में कोई एक धब्बा तो नहीं है, आपका पर्दे में कोई छेद तो नहीं है, ये चीजें चेक करते हैं, ना कि कान में कोई बात करते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नाक में चेक करते हैं क्या, डीएनएस। जिनके नाक में डीएनएस होता है क्या होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, बड़ी हुई रहती है, मांस इधर से कहीं बड़ा हुआ रहता है, वो चेक करते हैं। उसके बाद मुंह खोल भाई, पूरा खोल, फिर मुंह खोल के उसका टीथ चेक करते हैं, दांत के पूरे है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे 32 दांत नहीं है, कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 28 दांत कम से कम होने चाहिए आर्मी मेडिकल में पास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी आईज सर्जरी तौर पर चेक करते हैं कि आपकी आंखों में कोई गंदगी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर ही चेक कर लेते हैं 6x6 और कलर विजन बाद में चेक होता है। यहाँ पर आपकी आईज क्या चेक करते हैं पता है? किसी की आईज टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो यहीं पे बाहर कर देते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते,
यहाँ पे भी लिख देते सीधा, ठीक है। उसके बाद में जब चेहरा चेक हो जाता है, आपका शरीर ऊपर से देखते हैं, फिर जो आपका चेस्ट, मैंने पहले बोला था कि आपको जो पांच सेमी सीना फुलाओ भाई, सभी फुलाओ देंगे। जो ये सीना फुलवाया जाता है पांच सेमी, इसके पीछे मैंने रीजन बताया था क्यों फुलवाया जाता है, क्योंकि आपका क्या चेक करने के लिए, लंग्स चेक करने के लिए। जो बच्चा पांच सेमी सीना फुला के दो चार सेकंड के लिए होल्ड कर सकता है, इसका मतलब उसका लंग्स क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डाउन, ठीक है। तो ये चेक करते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि पैरों को सरसरी तौर पर देखते हैं, फ्लैट फुट चेक करते हैं, नोकनी चेक करते हैं, वेरिकोनस वेट वेन चेक करते हैं। पैरों में ये तीन चीजें स्पेशली चेक की जाती है, क्या क्या, फ्लैट फुट, नोकनी, वेरिकोनस वेन, पैरों की उंगलियां, ठीक है। इनका चेक करने का तरीका बता दूं, मिलाओ देखिए पैर, नोकनी चेक करने का तरीका ये है, पैर मिला के उनको 30 डिग्री तक खुला सकते हो, कितने डिग्री तक, 30, हाँ इतना ही बस, ऐसे चेक करते हैं 30 डिग्री ओनली, एडियो मिला 30 डिग्री तक कर सकते हैं। फ्लैट फुट चेक करने का है कि वो पानी दे के आपको चला भी सकते हैं, उसे चेक करा सकते हैं, बहुत सारे पहले ऐसे भी उठा के पैर को उठा के भी देख सकते हैं। वेरिकोनस वेन के लिए आपसे जंप करवाएंगे, और फिर अभी जैसे मैंने एक वीडियो में बताया आपको, और उसको क्या करेंगे, होल्ड करके देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि इसके बच्चे के वेरिकोनस वेन है या नहीं। अब इसके बाद में आता है प्राइवेट पार्ट्स, जो अलग से चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक करते हैं, पकड़ो भाई दोनों गोलियां अपने, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो, शर्माना नहीं है, हाँ ऐसे, ये भी इसकी इज्जत बचा रखी है हमने, ठीक है, ले लेंगे किसी दिन, लेकिन अभी बचा रखी। ये दोनों की दोनों गोलियां होनी चाहिए और एक ही साइज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाए एक इतनी बड़ी रे कितनी सी है, दोनों एक साइज की होनी चाहिए, दोनों दोनों हाथों में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं आपके दोनों हाथ लगा के इसे चेक करते हैं। जब आर्मी वाला आता है ना, वो ग्लव्स पहने रहता है और ऐसे चेक करता है पकड़ पकड़ के दोनों को, दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए और दोनों उसके हाथ में आनी चाहिए। उसके बाद में लिंग चेक करते, लिंग में छोटा बड़ा चेक नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा चेक नहीं करते, लिंग में केवल एक ही चीज चेक होती है, क्या होती है, होल, और ये पॉइंट भी मिलता है, होल इज नॉट प्रॉपर, ठीक है, होल आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सामने एक होना चाहिए, गोलियां भी आपकी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आगे झुको भाई, और क्या करते हैं, खसाते हैं, खांसो देखे जोर से एक बार क्यों खसाते हैं, ऐसे झुके रहो, ऐसे क्यों खसाते हैं, क्योंकि क्या चेक करते हैं, पीछे का होल चेक करते हैं, और उसमें अगर आपके पाइल्स या बवासीर होगी तो पता, देखो बवासीर होगी वो तो उनको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन जो पाइल्स होती है उसके लिए हिप का खुलना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि पाइल्स के होता क्या कि अंदर एक वाइट सा सर्कल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। तो वो कब दिखेगा, जब छेद खुलेगा तब दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, खसाते हैं, खास भाई जी तो खांसते तो पीछे से हिप खुलता है ना, अरे खुलता है सर, तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, उसको लेंस की मदद से देख सकते हैं, पहले नॉर्मली देखते हैं, उनको शक होता है क्या करते हैं, फिर लेंस से देखते हैं। और जिनके पाइल्स हो क्या पूछो, देखो जिनके पाइल्स होती है उसका इलाज है, बवासीर का भी इलाज है, लेकिन कब, शुरुआती स्टेज में, अगर आपके हुई है आपने उसी समय डॉक्टर को दिखा दिया तो क्या उसका भाई इलाज है, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार से चेक होता है पूरा का पूरा आर्मी का मेडिकल। अब इसके अलावा क्या क्या होता है, आपके खून की जांच, आपके यूरिया की जांच, और आपके आजकल एक्सरे करते हैं सामने का और पीछे की रीढ़ की हड्डी का, ये इसके अलावा और जांचें होती है, ठीक है, ये होता है मेडिकल। जिनके भी मेडिकल इनमें से कोई पॉइंट है आप कमेंट कर सकते हैं, इनको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनका मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है, ये आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी मैं तो देख लूंगा। ओके भाई, जय हिंद, बोल भारत माता की जय।